अगली खबर आ रही है रीवा जिले से, जहां कोर्ट के निर्देश के बाद यातायात पुलिस ने एक बार फिर वाहन चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। बीती रात्रि यातायात थाना प्रभारी दिलीप तिवारी और थाने पदस्थ सूबेदार अखिलेश कुशवाहा के द्वारा अपने दल बल के साथ वाहनों की जाँच पड़ताल की गयी। इस दौरान बिना हेलमेट और ट्रिपल सवारी वाले वाहनों के साथ साथ मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ चालानी कार्यवाही की गई। की जा रही कार्यवाही के संबंध में सूबेदार अखिलेश कुशवाहा ने बताया कि इस तरह की कार्यवाही गत माह से चल रही है, जो अनवरत जारी रहेगी। आइए आपको दिखाते हैं की गई कार्यवाही के संबंध में सूबेदार अखिलेश कुशवाहा ने क्या जानकारी दी है। माननीय हाई कोर्ट के निर्देश पर और पुलिस मुख्यालय के आदेश पर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार जिले में आप देख रहे हैं जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए हेलमेट के लिए, हेलमेट लगाने के लिए, और लोगों में जागरूकता भी आई है, लेकिन अभी थोड़ी सी कसर है, उस समझाइश का दौर भी चल रहा है और जो हेलमेट नहीं लगा रहे हैं उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई भी की जा रही है, तथा साथ में ही प्रेशर हॉर्न, तीन सवारी, ब्लैक फिल्म और साइलेंसर, मॉडिफाइड साइलेंसर, इन पे भी कार्रवाई लगातार जारी है।